बाबा साहब का मजाक उड़ाने वाली यूनिवर्सिटी का छीना जाएगा दर्जा। जैन यूनिवर्सिटी में हुआ था डॉक्टर अंबेडकर पर भद्दा नाटक। इसी साल फरवरी महीने में कर्नाटक की जैन यूनिवर्सिटी में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का कुछ इसी तरह से मजाक बनाया गया था। इस नाटक में ना सिर्फ संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर को लेकर अपशब्द बोले गए थे बल्कि छुआछूत और जातिवाद को भी बढ़ावा दिया गया था। He tried to join the army, but there also he couldn't become general. For offending anybody, we don't cut any corners. But gosh, Michael, he was coming riding in his cycle. He shouted, "Hey, you Dalit, don't touch that water. You won't get a drop. Forget about making a quarter. Son of God, and I want to sing a bhajan. Now I understand why Gandhi he called us Harijan. You will get what you deserve, just like how my college seat is already reserved." लेकिन अब जैन यूनिवर्सिटी की ये करतूत उसी पर भारी पड़ने वाली है। अब जैन यूनिवर्सिटी से उसका यूनिवर्सिटी दर्जा छीनने की तैयारी हो रही है। कर्नाटक सरकार ने अहम फैसला लेते हुए जैन यूनिवर्सिटी के डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस को छीनने के लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। कर्नाटक सरकार ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर कहा है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन जानता था कि इस नाटक में क्या है, लेकिन उसने ऐसा करने से नहीं रोका। कर्नाटक सरकार ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, इस घटना से समाज में अशांति फैली और जनता की भावनाओं को ठेस पहुंची। राज्य सरकार ने घटना को गंभीरता से लेते हुए उसका निरीक्षण कराया और रिपोर्ट प्राप्त की। रिपोर्ट में ये बात साफ हो गई कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन को स्क्रिप्ट, कंटेंट और डायलॉग के बारे में अच्छी तरह से जानकारी थी, लेकिन इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रबंधन ने छात्रों को उक्त नाटक प्रस्तुत करने से नहीं रोका। यानी जैन यूनिवर्सिटी पर अब बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करना भारी पड़ने वाला है। इसी साल फरवरी महीने में जैन यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज के द डेलरोइज बॉयज ग्रुप ने कॉलेज फेस्ट के दौरान ये भद्दा स्किट किया था, जिसके बाद इसकी जमकर आलोचना हुई थी। द न्यूज वीक ने तब इस मामले को प्रमुखता से उठाया था और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की थी। वंचित बहुजन अघाड़ी के युवा नेता अक्षय बंसोड ने आरोपी छात्रों और जैन यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। सुनिए अब कर्नाटक सरकार की सिफारिश पर उनका क्या कहना है। हम कर्नाटक के कांग्रेस के गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेशन, कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके खिलाफ एक्शन लेने का दम रखिए। स्टूडेंट्स के हितों को नुकसान ना पहुंचाते हुए जो रिस्पॉन्सिबल कास्टिस प्रोफेसर और एचओडी है उनके खिलाफ आप एक्शन लेने का दम रखिए, क्योंकि विद्यार्थियों के हितों को लेकर अगर कोई संगठन कोर्ट में जाएगा तो वो एक मिनट के लिए भी कोर्ट में नहीं टिकेगा। तो ये जो नौटंकी प्रेम है दलितों के बारे में वो कर्नाटक गवर्नमेंट के जो कांग्रेस गवर्नमेंट है वो उन्होंने बंद करना चाहिए। अगर शिक्षा मंत्रालय कर्नाटक सरकार की सिफारिश मान लेता है तो जैन यूनिवर्सिटी का डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस छिन जाएगा और ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान करने वालों के लिए एक बड़ी नजीर का काम करेगा। अगर ऐसा होता है तो भविष्य में संविधान रचयिता के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले जातिवादी 100 बार सोचेंगे। इसलिए हमारी मांग है कि जैन यूनिवर्सिटी का डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस छीन लेना चाहिए और आरोपियों पर एस सी एस टी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस में इस तरह की हरकतों को जायज नहीं ठहराया जा सकता। वंचित तबके से आने वाले लोग बहुत कुछ सह रहे हैं, ऐसे में उनके साथ होने वाले भेदभाव का मजाक बनाना और राष्ट्र निर्माता डॉक्टर अंबेडकर के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जातिवादी सोच के अलावा कुछ नहीं है।
और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।